नीट में फिजिक्स में बच्चों को बहुत डर लगता है कि अगर मन में डर बैठा लिया कि फिजिक्स टफ आती है और मुझे टफ लगती है तो वो दुनिया की कोई ताकत कोई कोचिंग संस्थान कोई एजुकेटर आपको सडर खत्म नहीं कर सकता स्ट्रेटेजली पढ़ोगे ढंग से चैप्टर पढ़ोगे तो हो जाए पचास सवाल आएंगे 45 आपको करने होंगे या सॉड पचास में से 45 करने होंगे इसको करने का मैक्सिमम टाइम जो एक बच्चे के पास होता है वो एक घंटा होता है रटना पड़ेगा तुम्हें शायद अजीब से लग गया टीचरों के बोल रहे पर रटना पड़ेगा सोचो कहीं हो तो बात पता ही नहीं होगी फॉमूला और उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए भी याद हो चल जाएगा याद होना चाहिए उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए और कंडीशन याद होगी तभी उसकी कैलकुलेशन करनी आपको आएगी और इन तीनों को मिलाकर डायरेक्ट सवाल 70 से 80 परसेंट आते हैं तो सही तो सही बताऊं 180 180 आउट ऑफ नंबर लाना बहुत आसान है नमस्कार डॉक्टर्स कैसे हो डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम अगर मेहनत करोगे तो जरूर बन जाओगे खैर आज बात करते हैं नीट में फिजिक्स में बच्चों को बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे से फिजिक्स ही नहीं आती क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत मैथ्स होती है मैच ही लेनी होती तो मैं इंजीनियरिंग ही करता है कि नहीं मुझे मैथ्स थोड़ी करनी थी खैर उस बात पर बात करेंगे पर ऐसा नहीं है फिजिक्स बहुत टफ आती है बहुत आसान आती है टेंशन मत लीजिए पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अगर मन में डर बैठा लिया कि फिजिक्स टफ़ आती है और मुझे टफ लगती है तो वो दुनिया की कोई ताकत कोई कोचिंग संस्थान कोई एजुकेटर आपको से डर खत्म नहीं कर सकता है ना इसी पहली बात तो डर निकालिए बिल्कुल आसान आती है आपके लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे ढंग से चैप्टर पढ़ोगे तो हो जाएगा तो आज अपना पर्पस क्या है आज अपना पर्पस है कि अपन इंक्रीज कैसे करें इंक्रीज कैसे करें किसको कैसे करें मार्क्स इन नीट फिजिक्स ओके सर नीट की फिजिक्स के मैं कैसे नंबर बढ़ाने बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा अच्छे से बोलूंगा काम का वीडियो होने वाला है ठीक है काम का वीडियो होने वाला है अच्छी बात है चलो भाई अब क्या करें देखते हैं चलो तो कैसे करें मार्क्स इन नीट फिजिक्स इंक्रीज चलो पहले अपन समझते भाई आप सब लोग जानते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको पचास सवाल आएंगे फोर्टी फाइव आपको करने होंगे येस और नो पचास में से फोटी फाइव करने होंगे इसको करने का मैक्सिमम टाइम जो एक बच्चे के पास होता है वो एक घंटा होता है मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको टाइम कितना मिला आपको टाइम मिलेगा आपको वन आवर ठीक है ओके okay, सर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वन आवर में कितने मिनट्स सिक्सटी मिनट्स ओके okay. यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि साठ मिनट में पचास सवाल पढ़कर समझने हैं और उसमें से पैंतालीस करने हैं क्योंकि पैंतालीस में से कम से भी कम अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पैंतालीस में से मेडिकल कॉलेज की लोग इस बात बता रहा हूं तो चालीस के ऊपर आपके सवाल सही होने चाहिए और टॉप रैंक लानी तो जाहिर सी बात है पूरे में से पूरे लाना पड़ेंगे पर अड़तीस से चालीस सवाल तो आपके सही होने चाहिए यानी कि अगर अपन बहुत लॉजिकली चले तो साठ मिनट में पचास सवाल करने हैं यानी कि 60 डिवाइड बाई 50 क्या ये लगभग लगभग एक मिनट है अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है सर ये तो सिर्फ 1.2 मिनट के आसपास आया हाँ सर 1.2 मिनट्स। अब क्या करें इतना सही टाइम है आपके पास तो पहली बात एक बात ये बात उनको भी पता है किसको एग्जामिनेशन लेने वालों को पता है पहले आप लॉजिकली समझिए 1.2 मिनट में अगर वो चाहते हैं कि बच्चा सवाल सही कर दे तो सवाल बहुत टफ आने वाला नहीं है मतलब अच्छा कट ऑफ इतनी जाती है मतलब सवाल ईजी आएंगे ये तुम जानते हो फिर भी मैं बता रहा हूं लॉजिकली इजी आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे कैसे आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्या फॉर्मूले के प्रूफ आएंगे ध्यान सुनना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे बहुत टफ नहीं आएंगे यानी कि मुझे सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए प्रूफ नहीं आ रहे हैं ऐसा नहीं आ रहा है कि वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ को प्रूव करिए नहीं ऐसा नहीं आएगा कि बायट सेवट लॉ के फॉर्मूले का जो है उसका डेरिवेशन करके बताइए हाँ हालांकि वो तो लॉ है बट फिर भी उसको पूरा राइट डाउन आएगा राइट डाउन बाय सेवट लॉ ऐसा नहीं आएगा उस उसमें एप्लीकेशन वाले सवाल आएंगे कि हाँ मेरे फोर बाई आर क्यूब हाँ वैसे वाली बात ठीक है भाई अच्छी बात तो डायरेक्ट फॉमूला या कॉन्सर्प्ट बेस्ट आएंगे यानी कि पेपर तो ईजी आने वाला है डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या मेरा चे... अगर क्या मेरे पूरी फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए हाँ जय के बच्चे तो बोलते हैं भैया ब्ले कंप्यूटर पढ़ो पर डीप तक पढ़ो मैं कह रहा हूं इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए सारे फॉर्मुले याद होने चाहिए कंप्लीट सिलेबस चाहे कुछ भी हो जाए कोई चैप्टर कंप्लीट मतलब कम भी समझ में आ रहा है कंप्लीट सिलेबस ठीक है भले कंप्लीट सिलेबस का मतलब पे फोकस करिए थोड़ा बहुत डीप में कोई जरूरी नहीं कि डीप में पढ़ो ऊपर ऊपर भी पढ़ लो तो चलेगा कुछ डीप में पढ़ लो मैं आपको सही बता रहा हूं कंप्लीट सिलेबस में अगर आप सेवेंटी परसेंट अच्छे से पढ़ते हो अच्छे से पढ़ते हो और तीस परसेंट ठीक ठाक पढ़ते हो तो भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे ठीक ठाक ओ हो हो पढ़ते हो तो भी सिलेक्ट हो जाओगे दावे से कह रहा हूं ठीक ठाक मतलब यार मुझे इसके प्रूफ नहीं जाए मैं तो फॉर्मले पढ़ लेता हूं तो पहली बात एक बात समझ लीजिए कि रटना पड़ेगा तुम्हें शायद अजीब सा लगेगा फिजिक्स टीचरों के बोल रहे हैं पर रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कैसे अब मैं आपको बताता हूं रटना पड़ेगा फॉर्मलेज ओके ठीक है सर अब क्या करें ध्यान से समझो रटना पड़ेगा क्या बाईन टू वन बाई एफ ये वाला एग्जाम्पल में बहुत बार ले चुका मैं दूसरा लेता हूं चलो मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपके जो है लेंस मेकर्स फॉर्मुला जो है आपका उसमें लेंस फॉर्मूले में वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू प्लस वन बाई एफ अपू सब वन बाई एफ इक्वलेंट होता है ठीक है सर ऐसा एक फॉर्मूला सिखाते हैं आपको जिसको नहीं जानता वो जान लेगा

तो किस पे फोकस करना है फॉर्मुलाज एंड देयर कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ओ हो 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 बात तो सर आपकी सही है फिर मैं लॉजिकली बातें बोलूंगा तो फॉर्मुलाज प्लस देयर कंडीशन याद होनी चाहिए। वरना अप्लाई कैसे करोगे क्योंकि आएगी तो एप्लीकेशन ज्यादा

हाँ सर ये बात तो आपकी सही है अब सुने अगर ये अपने को समझ में आ गया हाँ ठीक है सर अब हमको ऐसा करना है मैं आपको थोड़ी सी और इसकी साइंस समझाता हूं, सवाल की सवाल की क्या साइंस है देखो सवाल की ये साइंस है कि अगर आप सवाल को देखो तो सवाल इस तरीके से आते हैं कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन फिजिक्स में बात कर रहा हूं आपको है ना और कैलकुलेशन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सवाल बना करते हैं मतलब कैसे ध्यान से देखो कैलकुलेशन कैलकुलेशन ठीक है मैं अगर आपको अपना अनुभव बताऊं तो आपको एक बात समझ में आएगी बताता हूं क्या अनुभव क्या है अगर आप ध्यान देवो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आने वाले सवाल बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कैसे कि भैया बताइए का फॉर्मुला क्या है बहुत कम आता है पर आता है फिर भी आप ये मान के चलिए कि ऐसा सब पांच से दस परसेंट आता है 5 टू 10 परसेंट पेपर आपका ऐसा भी आ जाए डायरेक्ट फॉर्मला बेस्ड कि बताइए ग्रेविटेशन में जी की क्या जी का क्या फॉर्मला होता है अबाउ द हाइट या ग्राउंड में क्या होता है तो आपको उसका फॉर्मला याद होना चाहिए तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब ठीक है अब दूसरा दूसरा तरीका क्या ध्यान समझो दूसरा तरीका है कि भाई बताइए क्या होगा ये कि कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इन दोनों का मिला के कितने सवाल आते हैं इसकी एक इस तरीके की सवाल मैं आपको बताता हूं कि भैया आपके लिए सवाल आ गया कि अच्छा बताइए कि मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच में कौन क्यों मिरर में फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज का बनेगी चार ऑप्शन दे दिए ये कॉन्सेप्ट प्लस उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है हाँ बात तो सर आपकी सही है ये भी आते हैं करीब दस से पंद्रह ठीक पर असलियत में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो कौन से आते हैं ध्यान से देखो वो सवाल आते हैं वो कौन से देखो वो आते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और कैलकुलेशन ये आते हैं सत्तर परसेंट के आसपास सेवनटी टू एटी परसेंट ये ही पेपर आता है सेवनटी टू एट्टी परसेंट भाई कॉन्सेप्ट कोई सवाल हो नहीं सकता कॉन्सेप्ट उसकी एप्लीकेशन और फिर कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट जैसे मान लीजिए फिर से मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि भाई जो है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मला क्या है तो म्यूनोडाई बाई टू पाई यार आपको फॉर्मला या इनफाइनेट के पास, पास। भाई यानी कि आपनेट म्यूनटाईर पाई डी साइन थी वन प्लस साइन थीटा टू मान लीजिए फाइनेट वायर है मैं फॉर्मला ऐसे ही बता रहा हूं आपको म्यूनोटाई बाई फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू अब आप सोचो आपको इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है पर आपको इस पूरा फॉर्मला याद होना चाहिए यानी कि कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए यानी कि उसकी सारी कंडीशन याद होनी चाहिए कि थीटा वन क्या थी टू क्या है तो हाँ, मेरे को याद है इज़ द फॉर्मूला अरे पर उसकी थीटा वन क्या है थीटा टू क्या है कहां से लेते हैं कैसे लेते हैं हाँ आई क्या है डी क्या है हाँ और फिर उसकी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए ये तीनों का समावेश होगा तब बच्चे कई बार इसे भूल जाते हैं इसके बिना नहीं होंगे आप समझिए स्किल है अगर आपको फॉर्मूला याद भी है म्यूनोट आई बाई फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड वायर पर अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद नहीं है कैसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे सत्तर परसेंट पेपर ऐसे आएगा क्या टफ आएगा नहीं डायरेक्ट फॉर्मुला उसकी अप्लाई करना यानी कि कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कैसे कैलकुलेशन अच्छी करें इस इसमें अलग वीडियोस बना रखे हैं उसके शॉर्ट्स देखिए उसको देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए बेसिक कैलकुलेशन आनी पड़ेगी ये बिल्कुल मैं सोची मिनट का बच्चा कैलकुलेशन करनी होती तो बात ही क्या थी अगर डॉक्टर बनना है तो कैलकुलेशन वाला पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन आती है फिजिक्स में भी आती है करीब पैंतालीस से पचास सवाल आपके दोनों को मिलाकर आते हैं जिनमें चालीस से पचास सवाल तो ऐसे आते ही हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है है उनचालीस पचास सवाल को छोड़कर आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा इसलिए इससे भागना नहीं है क्या कैलकुलेशन टफ आती है नहीं बहुत बेसिक आती है ठीक है सर ध्यान समझना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ये रियल गेम है यानी कि हमें याद होना चाहिए उसकी कंडीशंस के साथ याद होगा तो वो अप्लाई कर पाएंगे अगर ऐसे और समझू तो फॉर्मुला याद होना चाहिए उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए और कंडीशन याद होगी तभी उसकी कैलकुलेशन करनी आपको आएगी और इन तीनों को मिलाकर डायरेक्ट सवाल सत्तर से अस्सी परसेंट आते हैं अगर ये ध्यान कर लिया तो सही बताऊं तो वन एट्टी आउट ऑफ वन एट्टी नंबर नंबर लाना बहुत आसान है लाए जा सकते हैं पूरा सिलेबस पढ़िए डीप में डाई करिए रिवाइज कराता हूं पूरा सिलेबस पढ़िए डीप में डाई करिए बहुत ज्यादा आपके मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टी कनेक्ट करने वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं आपको कॉन्सेप्ट उसकी एप्लीकेशन याद होनी चाहिए प्रूफ नहीं भी याद रहा तो चलेगा रटिए सारे फॉर्मुले और उसकी कंडीशंस को ऐसे बनाइए उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो मैंने आपको बता रखा है देखिए वीडियो को लिंक दे रहे हैं हम आपको उसको देखिएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ठीक है बोलो एक में से एक आएंगे कि नहीं आएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे किसमें फिजिक्स में सारे एक सौ अस्सी की गारंटी तो लेते हैं पर बताओ चलो लिख के बताओ मेरे को कितने आएंगे पक्का 150 सौ साठ सत्तर तो ले आओगे बात तो फिर तो क्या है आधी जंग पूरी हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा ठीक है तो आशा करता हूं ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा एक और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे पर यह वो क्रक्स था जो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स पढ़ रहे हो नीट की मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू